क्लास नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना था एक्टिविटी 2.1, ठीक है, और एक्टिविटी 2.2। इन दोनों को स्टडी करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हम लोगों को पढ़ना है एक्टिविटी 2.1, एक्टिविटी 2.2। इन दोनों को स्टडी करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला है टू प्रिपेयर ए टेम्पररी स्टैंड माउंट ऑफ एन ओनियन पिल एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, ठीक है। हम लोग को एक लेना है ओनियन, ठीक है, और उसी में से अब देखिए क्या करना है। कट ए स्मॉल पीस फ्रॉम द इनर लीफ ऑफ एन ओनियन बल्ब, पील ऑफ द मेम्ब्रेन फ्रॉम द इनर साइड। ओनियन जो होता है, प्याज जो है, उसको ओनियन बल्ब कहते हैं, ठीक है। उसके इनर लीफ को थोड़ा सा हम एक टुकड़ा लेंगे और उस टुकड़े को पील ऑफ, छिलका निकाल देंगे, थिन मेम्ब्रेन ऊपर वाला, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स इनर साइड। ट्रांसफर्स द पील इनटू अ वॉच ग्लास, यहाँ पे उतना नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वॉच ग्लास जो होता है वो एक कह सकते हैं कांच का स्फेरिकल, ठीक है, होता है, उसी में हम सेफ्रिन एक लिक्विड है, ठीक है, उस पीस को वॉच ग्लास में हम डाल देंगे जिसमें सेफ्रिन होगा, स्टेनिंग करने के लिए हेल्प करता है। और उस ओनियन जो ओनियन का जो पीस है पील ऑफ हुआ, उसको 2 से 3 सेकंड तक वहीं छोड़ देंगे उसमें सेफ्रिन में, ठीक है ना, स्टेनिंग होने के लिए। और फिर क्या करेंगे, टू वॉश ऑफ एक्स्ट्रा स्टेन, जैसे मान लीजिए 2-3 सेकंड छोड़े हैं, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा स्टेनिंग हो गया, सेफ्रिन कुछ ज्यादा हो गया उसमें, तो क्या करेंगे, उसको हम स्टैंड पिल जो उसमें पील ऑफ डाले थे, पीस डाले थे ओनियन का, उसको दूसरे वॉच ग्लास में हम ट्रांसफर कर देंगे। और उस वॉच ग्लास में क्या होगा, वाटर होगा, उसमें पहले वाले में सेफ्रिन था, दूसरे वाले में वाटर होगा। पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन इन द सेंटर ऑफ क्लीन स्लाइड, देखिए यहाँ पे जो ये दिया हुआ है डी वाले फिगर में, इसे हम स्लाइड कहते हैं। इस स्लाइड में क्या रखेंगे, ग्लिसरीन रखेंगे लगभग 1 ड्रॉप तक, विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड नीडल ट्रांसफर द पिल ऑन द ग्लिसरीन ड्रॉप। जो हम पिल सेफ्रिन में स्टेनिंग किए थे, ठीक है ना, फिर उसको दूसरे वाले वॉच ग्लास में जैसे वाटर था उसमें डाले थे, अब उसी पिल को, उसी पीस को ओनियन बल्ब का क्या करेंगे हम, जिसमें स्लाइड पे ग्लिसरीन डाले हैं उस ग्लिसरीन के ऊपर उसको रख देंगे। कवर द पिल जेंटली एंड केयरफुली विद द कवर स्लिप टू अवॉइड एनी एयर बबल्स। और देख रहे हैं यहाँ पे जो ये वाला चीज है, ठीक है ना, बहुत ही पतला होता है, इसको इस ग्लिसरीन और जो हम रखे हैं पीस इसके ऊपर, इसको इतने आसानी से रखेंगे कि इसमें कोई एयर बबल्स ना आने पाए, ठीक है। तो ये होता है, एक स्लैट बन गया, यूजिंग टेम्पररी स्वेट स्लैट बना है, इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। यूजिंग ए ब्लॉटिंग पेपर रिमूव एक्सेस ऑफ ग्लिसरीन फ्रॉम द स्लाइड एंड इज ऑफ कवर स्लिप, जैसे मान लीजिए इसको उसके ऊपर रखेंगे तो कुछ हो सकता है ग्लिसरीन इधर उधर फैल जाए, क्या करेंगे उसको, हम उसको ब्लॉटिंग पेपर से साफ कर देंगे, ठीक है। एग्जामाइन द स्लाइड अंडर लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड दे अंडर हाई पावर, अब क्या करेंगे उसको हम एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, लो पावर माइक्रोस्कोप से। अब उसके बाद हमको क्या दिखता है, देखिए ये चीज दिखेगा उसमें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन ओनियन पिल, देख रहे हो, यही हमको माइक्रोस्कोप में रखने के बाद दिखता है। ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर और ब्रिक शेप सेल और विजिबल इन द पिल, ठीक है, देख रहा हूँ, ब्रिक शेप सेल दिख रहा है उस पिल के अंदर। इच सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, प्रत्येक सेल में क्या है, एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल पाया जा रहा है। आर ए डार्कली स्टैंड स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड प्रोमिनेंट वैक्यूल्स इन द सेंटर ऑफ इच सेल, देखिए यहाँ पे देख रहे हो, सो मैं वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म फॉर्म ए थिन लेयर बिटवीन द सेल वॉल एंड वैक्यूल, सेल वॉल और वैक्यूल के बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म फॉर्म ए थिन लेयर, बहुत ही पतला लेयर है सेल वॉल और वैक्यूल के बीच में, देखिए ये वैक्यूल है और ये सेल वॉल, इन दोनों के बीच में क्या है, बहुत ही थिन लेयर है, है ना। इनफ्रेंस में क्या है, ओनियन बल्ब इज फॉर्म्ड ऑफ ए न्यूमरस सेल, इसे क्या चला पता हम लोग को कि जो ओनियन बल्ब है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है। दिस सेल आर प्लांट सेल,
ये कौन सा सेल है भाई? प्लांट सेल है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल्स। यहाँ देखिए, क्योंकि इसमें सेल वॉल और लार्ज वैक्यूल्स है, जबकि एनिमल सेल में ये वैक्यूल जो होता है बहुत ही स्मॉल साइज में होता है, ठीक है ना, और सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये था आप लोग का एक्टिविटी 2.1, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए लो, थोड़ा घर पे ट्राई करिए फिगर वगैरह बनाने का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिगर बायोलॉजी में, ठीक है।